पापा को बताए बगैर क्यों आई? जानती हो क्या गुजर रही होगी उन पे? आप भी मुझे डांट लीजिए। बेटा मैं डांट नहीं रही, समझा रही हूँ। उनकी जिम्मेदारी हो तुम, इसीलिए फिक्र कर रही थी। I know. बस मेरा दिल नहीं लग रहा था वहां। मैं दिल कर रहा था कि मैं आज आपके पास आ जाऊं। याद है बचपन में भी मैं जिद करके आपके रूम में आ जाती थी और फिर आप सारी रात मुझे कहानी सुनाती थी, है ना मामा? हाँ मामा, आप आज हम दोनों को कहानियां सुनाएं। गुड आइडिया राफे। मामा वो वाली स्टोरी सुनाई का किंग वाली जो थी। अमन पहले मेरी बात का जवाब दो। आपको बताया तो है मैंने, बस आपको मिस करी थी। कुछ ना कुछ जरूर है, तुम इस तरह से कभी नहीं आई यहां। बताओ मुझे मामा, क्या इतना सा भी हक नहीं है मेरा आप पर कि मैं कुछ पल आपके साथ गुजार सकूं? बाबा चले गए, सबने कहा कि उनकी यादों के जख्म भर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मामा। आप और राफे मेरे सामने हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। आपसे दूरी का गम मुझसे सहा नहीं जा रहा मामा, मुझे दुनिया से डर लगने लगा। अच्छा रो मत, याद है तुम्हारे पापा क्या कहा करते थे? अमल मेरी बहुत बहादुर बेटी है, शायद वो इन्हीं दिनों के लिए कहा करते थे। रोने से रास्ते नहीं मिला करते, मंजिलों पर पहुंचने के लिए अपने दिलों पर लगे जख्मों को भूलना पड़ता है। तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। I love you, mama. मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, जब भूख लगे तो बताना। मुंह उठा के जब जी चाहे चली आती है, जैसे उसके बाप का घर है। मां को देखो कैसे तरफदारी करती है। कोई जरूरी काम होगा जब ही आई है मेरी बच्ची। जरूरी काम, खातिरदारी कर रही होगी, लुक में बना बना के अपनी बेटी के मुंह में डाल रही होगी। मामा 50 लाख रुपए। मैंने बातों बातों में पूछा है उनसे, अब उनके पास नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर वो 50 लाख रुपए हमारे पास होते तो हम आज कहीं भी अकेले जाकर रह सकते थे। ये तो है मामा, मामू से कह थोड़े थोड़े करके देते। कहूंगी मैं उन्हें। मामा मैं फूफो के साथ नहीं रहना चाहती। क्यों, कोई बात हुई है वहां पर? बस मेरा दिल नहीं लगता वहां। मामा क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? अमन तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? नायला को तो जानती हो, फसाद खड़ा कर देगी। थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, मैं कोशिश कर रही हूँ। जिया से कहा है मैंने कि कुछ छोटी मोटी नौकरी दिलवा दे वो मुझे, फिर हम दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे। मैंने राफे की फीस देने के लिए
प्रीसा से कुछ पैसे उधार लिए मामा। थैंक यू मेरी गुड़िया, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। मैं सुबह जल्दी चली जाऊंगी, कल से मेरे स्टोर में एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाली है। मैं खाना लेकर आती हूँ। मुझे भूख नहीं है मामा। अमल उठो, मैं लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए। उठो उठो, थोड़ा सा खा लो। वो फ्रिज में मैंने सालन का बाउल भर के रखा था, अमन को खाना देना था, वहां तो कुछ भी नहीं है। वो तुमने रखा था? अरे बता तो देती कि अमल के लिए रखा है। मैंने उठा के गेटकीपर को दे दिया और साथ में दो रोटियां भी दे दी। मैंने सोचा कि फेंकने से अच्छा है किसी गरीब के मुंह अलग पड़ जाए। वो दो अंडे पड़े थे और ब्रेड भी थी, वो भी नहीं है। हाँ असल में ब्रेड तो मैंने नोमी को दे दी, उसे भूख लग रही थी, और अंडे मैंने तुम्हारे भाई को उबाल के दे दिए।